और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, रामपुर में आजम खान के भविष्य पर फैसला आज सुनाया जाएगा। आज सेशन कोर्ट आजम की अपील पर सुनवाई करेगा। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर सेशन कोर्ट में अपील की गई थी। आजम ने अपनी पत्नी और बेटे की सजा पर अपील की है। आपको बता दें, बेटे अब्दुल्ला आजम को दो जन्म प्रमाण पत्र होने का ये पूरा मामला है। तमाम जानकारी के साथ एहतिशाम सिद्दीकी फोन लाइन से जुड़ गए हैं। एहतिशाम, क्या कुछ पूरा मामला? दरअसल आज आजम खान के भविष्य पर फैसला संभव है। एहतिशाम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के भविष्य पर आज अहम फैसला हो सकता है। आज सेशन कोर्ट आजम खान की अपील पर सुनवाई करेगा। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ इन्होंने उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से गाइडलाइन मिली कि आप सेशन कोर्ट में अपील करिए। आजम ने खुद अपनी पत्नी और बेटे की सजा पर रोक लगाने की अपील किया था। और हम आपको बता दें कि आजम खान के बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिसकी वजह से वो आज सबसे ज्यादा परेशानियों को झेल रहे हैं, जिसकी वजह से उन पिता पुत्र की विधायकी भी चली गई है और आज दोनों लोग जेल में भी हैं। तो कहीं ना कहीं अब आज के फैसले पर, आज की सुनवाई पर यह तय होगा कि क्या उनको राहत मिल सकती है या आगे और भी। ठीक है, इस पर आप नजर रखिएगा, अपडेट आपसे आगे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।